माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड समझ लिया था, नाउ अब हम समझते हैं सेकंड प्रिपरेशन मेथड बाय एल्कीन। ठीक है, तो यहां पर अब हम समझते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय एल्कीन। देखो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बाय एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आपने हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको इस चीज के बारे में पहले ही बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक और बार ध्यान से समझते हैं कि एल्कीन के साथ हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों, यहां पर सबसे पहला फर्स्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब यहां पर मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया है, फिर भी हम एक बार और इसका मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक बार और अब हम इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ओजोनोलाइसिस आपका होता क्या है। ठीक है, एडिशन ऑफ, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ वन थ्री डाइपोल ओजोन टू एल्कीन। मतलब आपको किसका है, एल्कीन एल्कीन में आपको किसका एडिशन कराना है, 1,3-डाइपोल वाले ओजोन का। अब 1,3-डाइपोल और 1,2-डाइपोल क्या मतलब डिफरेंस है, इसको एक बार और हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1,3-डाइपोल आपका क्या होगा, पहले तो ये आपका क्या है, इसको क्या बोलेंगे, देखो चार्ज यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, तो 1, 2 पोजीशन पे आपके चार्ज क्रिएट है, इसको क्या बोलेंगे, 1, 2 डाइपोल। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, 1, 2 डाइपोल। अगर मैं ये वाले बॉन्ड को, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां ले आऊं तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, 1,3-डाइपोल। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1,3-डाइपोल। अब हमको इसका इसका मतलब एडिशन कराना है। तो देखो ओजोनोलाइसिस स्टेप आपका 2 स्टेप में होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं बच्चों, स्टेप 1 देखो, अब देखो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब यहां पर फिर से समझते हैं, ये आपका इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये आपका किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को, और ये आपका कहां जाके अटैक करेगा बच्चों, यहां जाके अटैक करेगा। ठीक है, ये आपका यहां जाके अटैक करेगा और यहां पर ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। नाउ क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे क्या बन जाएगा, यहां पर अब आपका इस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है बच्चों प्राइमरी ओजोनाइड। क्या होगा, प्राइमरी ओजोनाइड। अब ये प्राइमरी ओजोनाइड होगा तो ये आपका क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल। प्राइमरी ओजोनाइड आपका क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल। क्यों होता है, क्योंकि देखो ध्यान से, जहां पर 2 O लिंकेज प्रेजेंस है, अब देखो 2 O लिंकेज प्रेजेंट है तो यहां पर आपका लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन काफी ज्यादा होगा। जब यहां पर आपका लोन पेयर रिपल्शन काफी ज्यादा होगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, काफी लेस स्टेबल, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है। अब इसके सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। सेकंड स्टेप में आपको यहीं पर बताता हूं बच्चों, स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे। ये वाला बॉन्ड आपका यहां टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आपको यहां खुलेगा, तो यहां से क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पर इस तरीके से, और यहां पर ये आपका CO O- इस तरीके से होगा, और इसके ऊपर प्लस चार्ज। नाउ अब हम थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर इसको मैं रोटेट करा देता हूं, इसको मैं क्या करा रहा हूं बच्चों, रोटेट करा रहा हूं। ठीक है, इसको रोटेट करा के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं तो ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको जब मैंने रोटेशन करा दिया तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इस तरीके से बनेगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस, यहां पर पार्शियल प्लस। अब ये आपका यहां अटैक करेगा और ये वाला आपका कहां अटैक करेगा, इस पॉइंट पर अटैक करेगा। नाउ इस पॉइंट पर अटैक करेगा तो आपका क्या बना देगा बच्चों, बहुत ही
अब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से किया था पहले भी और बाद में भी। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, यहां पर आपका सेकेंडरी ओजोनाइट प्रिपेयर हो गया। यहां पर आपका क्या हो गया बच्चों, प्रिपेयर सेकेंडरी ओजोनाइट। अब सेकेंडरी ओजोनाइट यहां आपका प्रिपेयर हो चुका है। अब देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका सेकेंडरी ओजोनाइट प्रिपेयर हो चुका है। अब देखो यहां पर ओजोनोलाइसिस स्टेप खत्म हो चुका है। अब मुझे जो यहां पर सेकेंडरी ओजोनाइट मिला है इसको मुझे क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। तो लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। स्टेप थर्ड आपका क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। अब मुझे ओजोनाइड का रिडक्शन कराना है, तो किस तरीके से कराएंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो ये आपका ओ, ये आपका ओ, यहां पर सी सी इस तरीके से था। अगर मैं इसकी रिएक्शन ZnH2O के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, और 2 मोल आपका क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। 2 मोल आपका क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब बात को और ध्यान से समझेंगे कि यहां पर मैंने क्या लिया, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका कैसा है बच्चों, माइल्ड लेंगे। कौन सा लेंगे, माइल्ड। अगर मैंने बाय द वे आपका क्या लिया बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया। क्या लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया। ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो ध्यान से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम क्यों नहीं लेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो वो तो कार्बोनल कंपाउंड जो आपका वीक से बना होगा उसको तो तुरंत आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेने पर यहां पर ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से, इसीलिए हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो आपका तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो इस तरीके से हम यहां पर ओजोनाइट का क्या करेंगे बच्चों, ओजोन, यहां पर एल्कीन से कार्बोनिल बॉन्ड को बना लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसके तरीके की ओर चलते हैं कि इसको कैसे ध्यान रखें। इसका मैं आपको यहाँ पर वो तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको इसको करना है। देखो जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं मुझे इसकी रिएक्शन O3 ZnH2O के साथ कराना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर हम ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों तरफ ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। सिंपल, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे कि काउंट करेंगे CH2O। CH2O का मतलब HCHO, मतलब आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और यहां पर CH2O का मतलब क्या हो जाएगा, HCHO। तो यहां पर दोनों तरफ आपका क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, या फिर आप इसको समझने के लिए इस तरीके से भी लिख लें इसको। ये आपका कैसा होगा, ये आपका इस तरीके से होगा, ये आपका इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से तोड़ा तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से तोड़ा तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अपने आप आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसको तरीके से समझ सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं बच्चों, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमको करना है इसमें रिएक्शन। तो देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, अब देखो बेंजिन का कराते हैं। ठीक है, बेंजिन का कराएंगे। तो बेंजिन का अगर मैंने O3 ZnH2O के साथ कराया तो क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं ध्यान से। काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, यहां पर हाइड्रोजन होगा, सब जगह हाइड्रोजन बना लो वैलेंसी, सब जगह हाइड्रोजन की वैलेंसी बना लो। ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमको कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को। तो यहां पर ऑक्सीजन, 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 इस तरीके से तोड़ा। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा नहीं है तो ये वाला ऐसे लिख दिया। अब यहां पर एच ए और यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर एच ए, यहां पर डबल बॉन्ड हो, और यहां पर सी ए, सी के बाद डबल बॉन्ड ओ है, और यहां पर आपका एच ए। तो
इस तरीके से आपका बेंजील डाइहाइड इससे भी बनेगा, इस यहाँ से भी आपका वही बनेगा और यहाँ से भी आपका वही बनेगा। तीनों एक बार बना के आप लोग ट्राई करो, तीनों सिमिलर बनेंगे। और ये आपका कितने मोल बनेगा बच्चों? 3 मोल। इस तरीके से हम यहाँ पर ओजोनोलाइसिस करा के एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसी पे बेसिस, ठीक है। तो इसी पे बेसिस हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 C, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर आपका CH3, देखो इसका मुझे ओजोनोलाइसिस कराना है ZnH2O के प्रेजेंस में, तो किस तरीके से कराऊंगा बच्चों? अब ध्यान से समझेंगे किस तरीके से कराएंगे। तो देखो इसका ओजोनोलाइसिस हम आराम से, ज्यादा कोई यहाँ पर टिपिकल टर्म नहीं है। देखो इसका भी यहाँ से भी टूटेगा ये, और ये यहाँ से भी टूटेगा, तो देखो क्या क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से तो आपका CH3 C CH3, यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा बच्चों? देखते जाओ, वैसे के वैसे ही बनाते जाओ आप बस। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन आपका एक साथ आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपका क्या बनेगा? 3, यहाँ पर आपका HCHO बन जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर आपके ओजोनोलाइसिस में यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपाउंड देगा, मतलब ABCD देगा। ABCD देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें ओजोनोलाइसिस कराने पर कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों एक साथ आए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बना सकता है। तो आपको इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, कि कौन सा आपका प्रिपरेशन मेथड है कि आपको यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। तो नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन मेथड है बच्चों यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका कार्बोनिल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? कार्बोनाइल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो किस तरीके से बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी रिएक्शन है। अब देखो हाइड्रोबोरेशन, देखो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन में किसके साथ कराता हूँ बच्चों? हमेशा BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। और यहां पर मैं ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराता हूँ? H2O2 और OH- बेसिक मीडिया। इस तरीके से मैंने आपको कारक वो बताया था। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये हुआ, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा बच्चों अब, क्योंकि मैंने 2 या 3 बार बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको इस तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों मेरे पास? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा Br2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? यहाँ पर H2O2 और OH- के प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर आपका एल्कोहल, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड COH, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। मतलब जहां से आपका Br2 निकलेगा वहीं पर आपका एल्कोहल बन जाएगा। मैंने आपको मैकेनिज्म बता रखा है बच्चों, 1-2 बार मैंने आपको, 2 या 3 बार मैंने आपको बता रखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। Br2 जहां से हटता है वहीं पर आपका OH आता है। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनोल फॉर्म है, ठीक है। अब ये आपका इनोल फॉर्म होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ पर आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आपका टोटोमेरिज्म होगा। और टोटोमेरिज्म होने के बाद यहाँ पर आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनोल फॉर्म, आप लोग जानते हो कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, तो इस वजह से ये आपका इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि ध्यान से समझना,
अगर मैं डिटर्मिनल एल्केन लूंगा, डिटर्मिनल एल्काइल लूंगा, ध्यान से समझना बच्चों, इफ इफ वी विल टेक टर्मिनल एल्काइन, अगर मैं टर्मिनल एल्काइन लूंगा तो क्या बनेगा? अगर मैंने टर्मिनल एल्काइन लिया तो आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एल्काइल लूंगा, इंटरमीडिएट एल्काइल लूंगा मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटरमीडिएट साइड, तो वहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों? कीटोन बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और बार। यहां पर देखो, यहां पर मैंने CH3 CH3 ये मैंने लिया। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई बच्चों? BH3 THF के साथ कराया, तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड CBr2 और यहां पर CH3। नाउ अगर मैं इसका H2O2 और OH- के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड COH, यहां पर CH3। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये आपका फिर से क्या है बच्चों? इनोल फॉर्म है। ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। अब इनोल फॉर्म आपका किसमें कन्वर्ट होगा? यहां से क्या होगा? यहां से ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा और यहां पर आपका प्रोटोनेशन होके इस तरीके से होगा, तो यहां पर आपका कीटो फॉर्म बनेगा। तो यहां पर CH3 C, यहां पर नहीं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो और यहां पर CH3, ये आपका क्या बन गया बच्चों? कीटोन बन गया। तो इस तरीके से हम यहां पर इंटरमीडिएट साइड पर अगर आपका एल्काइन होगा तो कीटोन बनेगा। अब देखो, जनरली मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहां पर कहीं कहीं बार आपको देखो, अब क्या होता है कि BH3 का एडिशन एक बार कराएंगे, दो बार कराएंगे, मतलब इस तरीके से BH3 का एडिशन हम कितनी बार कराते थे मैकेनिज्म में? 3 बार कराते थे। ठीक है, तो 3 बार कराने से, BH3 का एडिशन 3 बार कराने की जगह अगर मैं कोई अच्छा Br2 कंपाउंड में ले लूं, ठीक है, अब देखो यहां पर वी कैन Br2 कंपाउंड एज अ Br2 कंपाउंड ऑन द प्लेस ऑफ BH3 THF, मतलब BH3 THF के प्लेस पे मैं अगर Br2 कंपाउंड ले लूं। कौन सा Br2 कंपाउंड? देखो, Br2 कंपाउंड मतलब क्या? 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल बोरेन, ये कंपाउंड में ले लूं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर प्रोपाइल बना लो CH3, यहां पर प्रोपाइल बना लेता हूं बच्चों में CH3 CH CH और यहां पर B। अब देखो, 1 2 1 2 2 पोजीशन पे एक मिथाइल लगा दो, यहां पर एक मिथाइल लगा दो। अगर मैंने ये कंपाउंड अगर मैंने ले लिया, ध्यान से समझना, अगर मैं ये कंपाउंड ले लूंगा तो मुझे बार बार मुझे एडिशन नहीं कराना पड़ेगा, बार बार मुझे यहां पर तो मतलब BH3 THF में हमको 3 बार रिएक्शन को रिपीट करना पड़ता है। अब उस रिएक्शन को 3 बार ना रिपीट करके मैं अगर BH3 THF की जगह अगर मैं इसको ले लूंगा तो रिएक्शन हमारा सिंगल टाइम में ही हो जाएगा। कितने टाइम में हो जाएगा बच्चों? सिंगल टाइम में। ठीक है, तो यहां पर मुझे 3 टाइम्स कराना पड़ता है। 3 टाइम्स कराने को अवॉइड करने के लिए हमको इसको लूंगा मैं। ठीक है, अब इसका नाम आपको क्या मिलेगा? ध्यान से समझना, इसको आपको ऐसा ही मिल सकता है, डाई डाइसमाइल, ठीक है, बोरेन, ठीक है, डाइसमाइल बोरेन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे यहां पर, SiA2B। ठीक है, ये भी आपको कंपाउंड मिल सकता है, SiA2B2H, ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं इसको ले लूंगा तो यहां से डायरेक्टली आपका यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर अब आप देख लेते हैं, यहां पर अगर मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने ये वाला कंपाउंड यहां पर ले लिया तो यहां पर
CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। अगर मैंने यहां पर SiA2BH ले लिया तो यहां पर आपका CH3 CH, यहां पर C SiA2B इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहां पर B आएगा पहले, B SiA2, ठीक है। और यहां पर हमने CH3। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में आपका H2O2OH आ जाएगा, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड COH, यहाँ पर CH3। अब ये आपका कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। और ये जनरली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। रिएक्शन आपका वही है, रिएक्शन आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडाइशन है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 बार आपको प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 बार प्रोसेस को करना पड़ता था, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हमने किसका यूज किया? हमने स्टेरिकली हिंडर्ड बोरेन का यूज किया। किसका यूज किया? स्टेरिकली हिंडर्ड बोरेन का, ठीक है बच्चों। स्टेरिकली हिंडर्ड हिंडर्ड बोरेन का यूज किया, जो डायरेक्टली हमको क्या प्रिपेयर कर देगा बच्चों? फटाफट हमको उसका प्रिपरेशन फटाफट कर देगा, ठीक है। हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन फटाफट कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन विद HgSO4, यहां पर मैं लिखता हूं थर्ड, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन मतलब एल्काइन में आपको H2O को जोड़ना है। देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में आप लोग किस तरीके से कराते थे बच्चों? ध्यान से समझोगे, अगर आपको ध्यान होगा तो मैं यहाँ पर हैवी मेटल लेता था Hg+2, या फिर आपका यहाँ पर Pb+2। हैवी मेटल के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 अगर मैं करूँ, कौन सा बच्चों? डाइल्यूट H2SO4, तो आपका किसका प्रिपेयर होता था बच्चों? एल्कोहल का प्रिपरेशन होता था। यहाँ पर आपका किसका प्रिपरेशन होता था बच्चों? एल्कोहल का। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इसका प्रिपरेशन मेथड भी हम यहां से यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड का भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं एल्काइन का हाइड्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। काफी सिंपल प्रोसेस है। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने लिया, ठीक है। हाइड्रेशन कराना है मतलब H2O का एडिशन कराना है। जैसे ही मैं H2O का एडिशन कराऊंगा किसके प्रेजेंस में बच्चों? Hg2+ और H2SO4 के प्रेजेंस में। इसका मैकेनिज्म आपको हाइड्रोकार्बन में बता चुका हूँ बच्चों, फिर भी एक और बार दे देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है। H+ होगा, यहाँ पर आपका H+ होगा, और क्या होगा? H-, H+ और यहाँ पर आपका H2O, H-। हाइड्रेशन कराएंगे एसिडिक मीडिया की वजह से, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? ये आपका इनोल फ्रेगमेंट है। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? कीटो फॉर्म। यहाँ पर ये आपका टोटोमेराइज्म करके क्या बना लेगा बच्चों? कीटो फॉर्म। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रिपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कीटोन का प्रिपरेशन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन ले लूं, ठीक है। देखो टर्मिनल एल्काइन मतलब यहाँ पर मैं एसिटिलीन, यहाँ पर मैं क्या ले लूँ? एसिटिलीन ले लूँ। तो एसिटिलीन की रिएक्शन अगर मैं H2O Hg+2 के साथ कराऊँ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका CHOH, ठीक है। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH2, फिर ये आपका टोटोमेराइज्म होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? CH3 COH में। अब ध्यान देना यहाँ पर आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, इस तरीके से मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता था? जहां पर ये आपका होता था, ठीक है। जहां पर अगर मैंने आपको बताया था डाइहाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडाइशन में अगर आपका जब भी टर्मिनल होगा, जब भी क्या होगा बच्चों? जब भी आपका टर्मिनल एल्काइन होगा, तो हमेशा रिएक्शन में आपका एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका टर्मिनल एल्काइन, यहाँ पर एसिटिलीन के केस में ही केवल और केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड।
बाकी सारे केस में क्या बनेगा बच्चों, कीटोन। ठीक है, ध्यान से समझना। फॉर अगर मुझे एल्डिहाइड को प्रिपेयर कराना है तो हम हमेशा कौन सा प्रोसेस लेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम देखें थर्ड बच्चों, थर्ड प्रोसेस, अब हम देखते हैं थर्ड प्रोसेस आपका क्या होगा। यहां पर थर्ड और ये आपका फोर्थ प्रोसेस। देखो NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ HIO4, ठीक है, NaI4 इन प्रेजेंस ऑफ HIO4। ठीक है, अब देखो इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है लेमिक्स रिएजेंट। ठीक है, लेमिक्स रिएजेंट। अब देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इससे डरने की कोई कोई बात नहीं है, काफी इजी है। ठीक है, नाउ अब हम दे देखते हैं कि इसका इसका मतलब आपका रिएक्शन किस तरीके से करना है। तो इसका जैसे हम ओजोनोलाइसिस कराते थे उसी तरीके से इसका रिएक्शन भी करना है। ठीक है, जैसे हम ओजोनोलाइसिस कराते थे उसी तरीके से, उसी की तरह है बच्चों। यहां पर मैंने ये लिया, देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ये लिया। ठीक है, अगर मुझे इसके साथ ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है, Na4 HIO4, तो क्या होगा बच्चों, यहां से तोड़ेंगे, यहां पर हो, यहां पर हो, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 मोल कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते बच्चों, एक और एग्जाम्पल देख लेते इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैंने ऐसा ले लिया, तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaIO4 और HIO4 के साथ करा दिया, तो यहां पर अगर मैं इसको कट करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से CH3 बन जाएगा, और यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका नीचे जाएगा, ये आपका इस तरफ, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O और यहां पर H, कीटोन और एल्डिहाइड। हूबहू आपको किसकी तरह कराना है बच्चों, ओजोनोलाइसिस की तरह। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, Na4 के प्रेजेंस में भी हम क्या करा जाते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन, हम इसके प्रेजेंस में भी हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, एल्कीन और एल्काइन के थ्रू हम किसका प्रिपरेशन करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। काफी इजी है बच्चों, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और खास तौर से कि आप अगर वो हाइड्रोकार्बन को बार बार आप लोग रिवाइज करो, ताकि आपको पुराने कंसेप्ट रिवाइज होते रहे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।